तो सारे पुराणों में से सबसे श्रेष्ठ कौन से पुराण है? सारे पुराणों का सार निचोड़ क्या है? श्रीमद् महाभागवत। जैसे गीता के बारे में कहा गया है, सार सर्व उपनिषद गावो दुर्धा गोपाल नंदन, वैसे ही श्रीमद् भागवतम के बारे में भी वर्णन किया गया है। निगम कल्प तरुण गलितम फलम, निगम का मतलब होता है वेद, निगम या वेद है एक कल्प वृक्ष जैसे। ऐसे वृक्ष के पास, पेड़ के पास जब जाते हैं तो पेड़ जो देता है उसको ही हमको मिलता है, जो फल देते हैं, जो फूल देते हैं, बस वही मिलता है। लेकिन कल्प वृक्ष ऐसी एक वृक्ष है जिसके पास जाकर हम जो कुछ मांगते हैं वही मिल जाता है, ये है कल्प वृक्ष। वेद भी वैसे है, वेद के पास जाकर हम जो कुछ मांगेंगे मिल जाएगा। तो इस सिलसिले में वेद है एक कल्प वृक्ष जैसे, निगम कल्प तरुण और गलितम फलम, एकदम पक्का फल, और उस फल, वो फल भी सुखदेव गोस्वामी का मुखामृत से संयुक्त हो मिला। शुक मुखाद अमृत द्रव संयुक्त, वेद रूप कल्प वृक्ष का फल है ये भागवतम, श्रीमद् भागवतम, और वो श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी का मुखामृत से युक्त हुआ। मुंह का जो अमृत, मतलब सुखदेव गोस्वामी ने इसका वर्णन किया है परीक्षित महाराज के पास, सुख मुखार अमृत। और ऐसी जो फल है, इस फल को कौन खाते हैं? पीवत भागवतम रसमालय, ये सारे रसों का आधार जो है ये श्रीमद् भागवतम को आस्वादन करते हैं, जो रस को आस्वादन करने वाला, मतलब भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त रूप जो रस को आस्वादन करते हैं उनके लिए।